चाहते। भारत माता की जय। भारत माता की जय। डीलर यूनियन एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर जिंदाबाद। डीलर यूनियन एसोसिएशन हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। लेकर रहेंगे अपना हक। बोलने बगैर नहीं रहे दिल में आखा पिछोड़ लेनी सुनो देखिए मेरा नाम हरि कृष्ण ठाकुर FPS डीलर एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूं और डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए मैं प्रेसिडेंट हूं। डीलरों की तरफ से खुद साख्ता नहीं सेल्फ स्टाइल नहीं। हमारी जो परेशानियां हैं वो सरकार को बेखूबी पता है, समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बंदर बांट और इस नीलम कान को कुछ लोग बंद नहीं करना चाहते। डीलर मरे या जिए, इससे सरकार का खजाने का नुकसान होता है। जो तरीका कार अपना कर रखा है उस आवाम का नुकसान होता है जिसको टाइम से राशन मिलना चाहिए। उस मजदूर का नुकसान होता है जिसको वक्त पर मजदूरी मिलनी चाहिए। इस तरीका कार को बदलते हुए हम सैलरी बेसिस पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि उम्र के तकाजे के बगैर, तालीम के तकाजे के बगैर मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ऑनरेरियम बेसिस पे तनख्वाह के तौर पर पैसे लेते हैं, सामने वाले दरवाजे से लेते हैं और हम भी सामने वाले दरवाजे से लेना चाहते हैं। बैकडोर एंट्री नहीं है हमारी। तो क्यों ना हमें वो तनख्वाह दी जाए जो सरकार के मुलाजम को मिलती है, जबकि हम वही काम करते हैं जो सरकार का मुलाजम करता है। इसके पीछे और सारे बहुत सारे नुकसान हैं। सरकार डिमांड बताएंगे, डिमांड सरकार का मुलाजम उसको जो राशन मिलता है मुफ्त में मिलता है, पैसे के बगैर मिलता है, उसके कमरे का किराया मिलता है, उसको हेल्पर मिलता है, उसको कोई डैमेज हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, उसको क्लेम मिलता है। एक डीलर को इसके बदले में कुछ नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? पहली डिमांड, सैलरी हमने आपको बता दी। फिर हमको एक आर्जी तौर पर एक रियायत दी गई थी जो पूरे मुल्क में थी, 2004 से पहले थी और वह हमसे छीनी गई। वो रियायत क्या थी? किराया कमीशन, यानी कि अमाउंट से डिटेक्ट करके हमको दाखिला करना होता था। किराया कमीशन एडवांस मिलती थी साफ लफ्जों में। 2004 में कोलिशन सरकार ने, खुराक मंत्री ताज महीद्दीन ने बंदर बांट की गर्द से, पिक एंड चूज की गर्द से, सियासी फायदा उठाने की गर्द से उस स्कीम को हमसे छीना गया। क्या फर्क पड़ता है? पैसा तो आपने पहले में देना है और बाद में देना है। अगर पहले पैसा दिया जाए, हमसे बराबर हिसाब लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? हम टाइम से मजदूर को मजदूरी देंगे और ठीक से काम चलाएंगे। तीन साल का हमारा पैसा सरकार के पास है, ना मालूम किसके अकाउंट में होता है, किसको उसका इंटरेस्ट जाता है और इस पैसे को रोकने का क्या मकसद है? इस चीज़ से हम तंग आ चुके हैं। वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, लेकिन लुटेरों की आदतें नहीं बदली हैं। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम बंधुआ मजदूर लेबर बाउंडेड लेबर नहीं हैं। हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। प्रॉपर हक चाहिए, प्रॉपर तरीका चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। खजाने को भी आराम तहफ़ मिलेगा, मजदूर को भी मिलेगा, डीलर को भी मिलेगा। बहुत सारे डीलर कोविड-19 के डोज अपनी जिंदगी से हाथ धो चुके हैं, उनको कई क्लेम नहीं मिला। हमें नजर आता है कि हमको भी नहीं मिलेगा। हम कैसे वो आधार कार्ड सीट करेंगे, हम कैसे बायोमेट्रिक करेंगे जब बाकी जगहों पर नहीं होता है? तो हमें बचना भी है और हक